नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं अभय और आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप मीशो के सेल्स को बूस्ट कर सकते हैं। कई गुना आप बूस्ट कर पाएंगे क्योंकि मीशो में एक फ़ीचर अवेलेबल है जिसका नाम है एडवर्टाइजमेंट। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप 20 पैसे 30 पैसे खर्च करके आप सेल्स जनरेट कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो अगर 500 का आप सेल कर रहे हैं, उसमें आपको 100-150 रुपीज़ का जो है प्रॉफिट हो रहा है, और अगर आप 30 पैसे 40 पैसे में अगर आप ऑर्डर्स को रिसीव कर सकते हैं तो क्या बुरा है। इसी के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे आप 30 पैसे 40 पैसे खर्च करके या उससे भी मिनिमम आप खर्च करके अपने सेल्स को आप इंक्रीज कर सकते हैं। सब कुछ आज आप इस वीडियो में जान पाएंगे। अपने लैपटॉप पे मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि कैसे आपको एडवर्टाइजमेंट को सेट करना है, कैसे आपको CPC सेट करना है। जी हाँ, CPC मीन्स होता है कॉस्ट पर क्लिक, वो कैसे सेट करना है 20 पैसा 30 पैसा 40 पैसा और अपने सेल्स को आपको इंक्रीज करना है। सब कुछ आज आप इस वीडियो में जान पाएंगे। शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक आप ज़रूर कर दे। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे आप मीशो पे एडवर्टाइजमेंट रन करके अपने सेल्स को बूस्ट कर सकते हैं। तो आप यहां पे लेफ्ट साइड में आप देख रहे होंगे बहुत सारे ऑप्शंस आपको नजर आएगा। यहां पे एक ऑप्शन है एडवर्टाइजमेंट का, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे टॉप राइट में आपको क्रिएट न्यू कैंपेन पे जाना है, इस तरह से आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आपको एडिट कैंपेन नेम का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे XYZ कुछ भी आप कैंपेन अपीयर हो रहा है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मीशो की तरफ से एक मैसेज भी अपीयर हो रहा है कि बेस्ट कैटलॉग्स जो मीशो जो रिकमेंड करता है वो व्यूज पे, क्लिक्स पे, ऑर्डर्स पे, रिटर्न्स पे एंड ROI ऑफ योर कैटलॉग्स। तो ये कुछ आधार से जिनके आधार पे मीशो जो है आपके कैटलॉग्स को रिकमेंड करता है। आप यहाँ पे मैनुअली आके भी कैटलॉग सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ कैटलॉग्स को मीशो रिकमेंड करता है कि इस पर आप ऐड चलाइए तो जो व्यूज है और जो ऑर्डर्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा आने की संभावना होगी। तो यहाँ पे मैं रिकमेंडेड को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं ऑटोमेटिक जो है मेरे यहाँ पे तीन जो कैटलॉग हैं उन पे ये टिक मार्क हो चुका है और यहाँ पे तीनों रिकमेंडेड में है और इनका जो CPC ऑलरेडी जो है मीशो के द्वारा यहाँ पे डाला गया है। आप चाहें तो इसको चेंज करके आप 15 पैसा कर सकते हैं 16 पैसा से इस तरह से, या आप बढ़ाना चाहते हैं 20 पैसा करना चाहते हैं तो आप 20 पैसा कर सकते हैं। मीन्स यहाँ पे आप मिनिमम CPC में आप अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर सकते हैं। नीचे आप देख रहे होंगे जो प्रोडक्ट है वो रिकमेंडेड CPC यहाँ पे 21 है, इसे आप चाहे तो यहाँ पे पेंसिल आइकन पे क्लिक करके घटा या बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं जो मीशो के द्वारा जो डाला हुआ है वही आपको रखना है तो आपको यहाँ पे कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है और ये ज्यों का त्यों इसी तरह से ये बना रहेगा। उसके बाद आप कितना स्पेंड करना चाहते हैं, यहाँ पे एक है डेली स्पेंड एंड टोटल स्पेंड। आप टोटल कितना स्पेंड करना चाहते हैं या आप डेली वाइज स्पेंड करना चाहते हैं, अगर डेली वाइज आप स्पेंड करना चाहते हैं तो जो मिनिमम अमाउंट है वो 300 का है। यहाँ पे आपको 300 मिनिमम जो है वो डालना ही होगा। जो अमाउंट है वो इसी के आधार पे कटेंगे, 20 पैसे पर क्लिक के 16 पैसे पर क्लिक, लेकिन अमाउंट यहाँ पे 300 आपको डालने हैं। 300 से आप ये ना सोच ले कि 300 रुपीज़ जो है आपके एक दिन में कट जाएंगे। अगर आप बहुत ही मिनिमम पैसा आप यहाँ पे लगाना चाह रहे हैं, इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो आप अगर यहाँ पे 300 लगाते हैं तो हो सकता है कि आपका जो 10 रुपीज़ एक दिन में कटे, 20 रुपीज़ कटे या 50 रुपीज़ कटे, और अगर पैसे यहाँ से कटेंगे तो आपके ऑर्डर्स भी आएंगे। तो ये आपको श्योर रहना है, यहाँ पे 300 से डरना नहीं है। या आप टोटल पे भी जा सकते हैं कि टोटल आप कुछ दिनों के लिए आप ऐड चलाना चाहते हैं उसका अमाउंट यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपको 500 रखना है। 500 से अबव आप जितना भी चाहे आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे आप इस तरह से मैं यहाँ पे 500 डाल देता हूँ। उसके बाद नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेलेक्ट कैंपेन ड्यूरेशन, यहाँ पे ड्यूरेशन आप सेट कर सकते हैं। जैसे आज का जो डेट है यहाँ पे शो हो रहा है और बगल में कब तक मुझे ऐड को चलाना है, टिल बजट लास्ट, आप चाहे तो यहाँ पे टिक करके जब तक 500 रुपीज़ है तब तक आप चला सकते हैं, या आप यहाँ पे एक डेट भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे डेट जो है आप इस तरह से यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, जो भी डेट आप चाहते हैं 24-25 मई का आप डेट यहाँ पर रख सकते हैं। तो चलिए 24 या 26 में कर देता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे बाहर निकल जाता हूँ। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपका जो कैंपेन है वो सेट हो चुका है।
कितने कैटलॉग पे चलाना है वो आपको यहाँ पे डिसाइड करना है। टिक मार को आप इस तरह से ऑफ करेंगे तो उस पे जो है वो एड जो है वो रन नहीं होगा उस कैटलॉग पे। तो ये मैंने दो पे ही मैं चलाऊंगा और तीसरे पे मैं नहीं चलाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ सेट कर दिया है एंड देन मुझे कंटिन्यू टू सबमिट में जाना है। जैसे ही मैं कंटिन्यू टू सबमिट में क्लिक करूंगा आप देखेंगे ये जो सब कुछ जो मैंने फिल किया ये जो डिटेल मैंने डाला है यहाँ पे कैंपेन समरी में आप देख सकते हैं। कैंपेन नेम एक्स वाई जेड, कैटलॉग सेलेक्टेड टू, टोटल अमाउंट जो मैंने 500 डाला था, कैंपेन स्टार्ट डेट जो है वो 10 मई का है, कैंपेन एंड डेट जो है वो 26 मई का है। तो इस तरह से सारा कुछ जो है वो शो हो रहा है। और नीचे में जो आप ऑप्शन देखेंगे सबमिट का, इस तरह से आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे कैंपेन क्रिएटेड सक्सेसफुली, आपका जो कैंपेन है वो क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अपकमिंग एक्स वाई जेड अपकमिंग कैंपेन है, एक को मैंने पोज किया हुआ है और नीचे एक लाइव चल रहा है। तो इस तरह से आप अपने कैंपेन को सेट कर सकते हैं, अपने कैटलॉग्स को जो है एडवर्टाइज कर सकते हैं और ऑर्डर्स को बूस्ट कर सकते हैं। काफ़ी ऑर्डर्स बूस्ट होते हैं अगर आपका जो कैटलॉग है उसमें अगर दम है तो फिर आपको सोचना नहीं है, बहुत सारे ऑर्डर्स आपके पास आएंगे, आप पैक करते थक जाएंगे। तो ये जो बेनिफिट्स है ये आपको उठानी है। काफ़ी कम पैसे में आप एडवर्टाइज़ कर सकते हैं, 10 पैसे, 20 पैसे, 30 पैसे, जितना भी आप स्पेंड करना चाहें यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही। इस तरह के टेक अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।